बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सहज किचन। आज मैं आपको लावा केक बनाना सिखाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना। बस जो स्टेप मैं फॉलो करूंगी, जो डायरेक्शंस मैं बताऊंगी उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिज्जा बनेगा। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए ले रहे हैं हम 44 ग्राम ऑयल या 7 टेबल स्पून, 44 ग्राम डार्क चॉकलेट कोई सी भी कंपनी की या 5 टेबल स्पून, एक अंडा, 31 ग्राम चीनी या फिर 3 टेबल स्पून, और साथ ही हम ले रहे हैं 19 ग्राम मैदा और टेबलस्पून में 2 टेबलस्पून। और आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ग्राम्स में रेसिपी हमेशा एग्जैक्ट होती है और टेबलस्पून में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप ग्राम्स में ही अपनी रेसिपी को यूज़ करें, क्योंकि वो बेस्ट रहती है और उससे हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मोल्ड को बटर या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह। आपने बहुत अच्छे से इसको ग्रीस करना है ब्रश की मदद से, हर हर एक जगह पे आपने इसको लगाना है, क्योंकि हम इसमें बटर पेपर यूज़ नहीं कर रहे। तो आपने इसको फिर बटर या फिर घी से, ऑयल का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए बटर या ऑयल यूज़ करें, सॉरी घी यूज़ करें। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप डाल देंगे कोको पाउडर या फिर आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। दोनों को डाल के इसको अच्छी तरह मोल्ड को घुमाएं ताकि ये पूरे मोल्ड पे लग जाए, और जो एक्स्ट्रा होगा फिर इसको हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी इसको सारी तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। तो ये देखिए जी, मैंने मोल्ड को अच्छी तरह कोको पाउडर से फ्लेयर लगा दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले चॉकलेट और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑयल। इन दोनों को मैं माइक्रोवेव में रखूँगी 1 मिनट के लिए, इससे कम टाइम भी लग सकता है। 1 मिनट में ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी जी। ये देखिए जी, बटर और ऑयल एंड चॉकलेट दोनों मेल्ट हो चुके हैं, और इसमें जो थोड़ी बहुत रह गई थी मैंने चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम करते हैं इसके बाद वाला स्टेप। अब मैं लूँगी एक बोल और उसमें मैं डालूँगी चीनी और अंडे। तो इसमें हम डाल देते हैं चीनी और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। तो ये देखिए जी, दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी। अब हम दोनों को मिक्स करेंगे हैंड विस्क की मदद से। मज़े की बात यह है, इसमें आपको बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हैंड विस्क से ही बहुत ज़बरदस्त सा हमारा लावा केक रेडी हो जाएगा। अब इसको आप विस्क करते रहें, तब तक विस्क करेंगे जब तक के इसका जो है कलर वो चेंज ना हो जाए, यानी थोड़ा लाइट येलो हो जाए। तो ये देखिए जी, हो गया। बस थोड़ी सी देर इसको हम और बीट करेंगे और उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये देखिए जी, कलर लाइट हो चुका, अंडे और चीनी दोनों अच्छी तरह बीट हो चुकी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो हमारा ऑयल और चॉकलेट वाला मिक्सचर। मैं विस्क की मदद से ही इसको डाल के मिक्स करती रहूंगी। याद रहे, चॉकलेट और ऑयल दोनों को आपने अच्छी तरह बाउल को सॉफ्ट कर लेना है। अब इसको मिक्स कर लें साथ ही हम इसमें डाल देंगे मैदा। आप चाहें तो इसको चम्मच स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसको हैंड विस्क से ही मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, मिक्स हो चुका है। देखिए इस तरह आपने इसको रखना है। अब हम डाल देंगे इसको अपने मोल्ड में।
थ्री बाई फोर पोर्शन जो है वो मोल्ड का आपने फिल कर देना है। अच्छा, या आप ये भी देख लें कि ये बैटर किस तरह का है, इस कंडीशन में होना चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है। ये देखिए, हमने अपने मोल्ड में बैटर सारा डाल दिया, अब हम इसको बेक करते हैं। ये देखिए, मैंने पतीला लिया हुआ है, इसको 15 मिनट के लिए मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ। इसमें मैंने रखा हुआ है स्टैंड, और इसमें बेस में डाला हुआ है नमक, और नमक बेक हो के हमारा जो है वो ब्लैक हो चुका है। इसमें हम रख देंगे और 8 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। याद रहे 8 मिनट, इससे 1 मिनट भी आपने ऊपर नहीं करना। अगर आपने इसको ज़्यादा किया तो ये ओवर बेक हो जाएगा और लावा केक नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपने बहुत ख्याल रखना है। इसको अब हम कवर करके रख देते हैं। जी, 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं हमारा लावा केक रेडी हुआ है या नहीं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से लावा केक जो है वो रेडी हो चुका है एग्जैक्ट 8 मिनट्स में। सो ज़्यादा टाइम बिल्कुल ना दीजिएगा, बार बार कह रही हूँ, आपका केक जो है वो लावा नहीं बनेगा। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, एहतियात से निकालिएगा, काफ़ी गर्म होगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी फ्लावर शेप में हमारा मोल्ड है, तो मैं इसके कॉर्नर्स को सिर्फ अलग करूँगी चम्मच की मदद से, ताकि ईजीली हमारा जो लावा केक है वो इसमें से निकल आए। अब हम इसको डाल देंगे प्लेट में, इस तरह की कोई भी प्लेट ले लें, और इसको बहुत आराम से इस प्लेट में उल्टा दें। याद रहे ध्यान से, ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि टॉप पे थोड़ी सी चॉकलेट पैड आ चुकी है, वो मोल्ड के सच्चे पकने की वजह से केक थोड़ा सा इस जगह से हट गया, और ये आपको नज़र आ रहा है हमारे लावा केक कितना परफेक्ट है माशाल्लाह। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा अगर आप एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करेंगे। अब कट करने से पहले इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर लेते हैं पाउडर शुगर, ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। जी, हमने स्प्रिंकल कर ली है, अब इसको हम कट करते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बना है हमारा लावा केक। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए परफेक्ट है, एंड इट मस्ट बी डिलीशियस। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।